समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार चौधरी विजेंद्र सिंह ने बताया है कि 23 तारीख को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के प्रियंका गांधी दोनों नुमाइश मैदान में चुनावी जनसभा करेंगे। वहीं सपा प्रत्याशी ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि यह देश बचाओ और संविधान बचाओ अभियान है और हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कार्यक्रम में आए। उसी में पत्नी भी बांधते हैं, दुकान भी चलाते हैं और उनका शान तो पुलिस कहती है 5,000 रुपए दे, 10,000 रुपए दे, उनका तरस था। अरे आज हम एमएलए नहीं, कल एमपी विजेंद्र सिंह होगा। ऐलान करता है विजेंद्र सिंह के दोनों नहीं 4 एमएलए भी हमारे होंगे और जब एमएलए भी तुम्हारा होगा और एमपी भी तुम्हारा होगा तो कोई हमारी तरफ उंगली उठा देगा, उसके हाथ तो उठोगे। अभी तुम्हारे पट्टे की आवाज पर कम तो नहीं है, कम नहीं है ना? जनता का किस तरह संपर्क मिला है, क्या है? जनता ही चुनाव लड़ रही, मैं कह रहा हूँ, मैं तो सिंबल हूँ जनता का। ये दिखाई नहीं दे रहा आपको? घर पे, बाहर, जंगल में, सड़कों पर जनता चुनाव लड़ रही है। 3 लाइन का चुनाव है अलीगढ़ का। जनता की आवाज ईश्वर की कृपा से लहर बनी हुई है, हराओ अभियान है और उस गठबंधन के विजेंद्र सिंह को जिताओ अभियान है। किस तरह की अपील? समीकरण है, सबको दिखाई दे रहा है। हाथी का है, क्या नाम है उनका, पंडित जी उपाध्याय जी, उपाध्याय जी, बंटी उपाध्याय, वहाँ सतीश गौतम जी, अरे आधे में दो है, आधे में अकेला है, सबको दिखाई दे रहा है। ये समीकरण है, 60 जा रहे हैं, ये समीकरण है। अखिलेश जी की सभा होने वाली है, तीसरी भी सुन लो जी। नेता का काम है ईमान, चरित्र, व्यवहार, वाणी, उसके कारनामे 5 साल में ही निकल के ऊपर आ जाते हैं। वर्तमान सांसद के 10 साल हो चुके हैं, अब वो ऊपर लामा बन के आ गए हैं। अब जनता उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। जनता ने निर्णय ले लिया कि उनको हरा के हर कीमत में गठबंधन के वीरेंद्र सिंह को जिताना है। मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। चुनाव भी जनता लड़ रही है, वीरेंद्र सिंह चुनाव नहीं लड़ रहा है। चौधरी साहब, कल आपकी जनसभा थी ख्वाजा चौक पे, आपका एक बयान था कि एमपी भी हमारा होगा, एमएलए भी हमारा होगा, और क्या, और उसके बाद में अगर पुलिस वाले पैसे मांगेंगे तो उसके हाथ तोड़ दिए जाएंगे। पुलिस वाले के हाथ नहीं, जो पैसा मांगेगा, ये कोई बुराई की बात है क्या? मुझसे कोई जेब छीने, मेरी जेब काटे और जबरदस्ती में मारे पीटे तो क्या हम सो जाए? ये नहीं कहा कि पुलिस वाले के हाथ तोड़ दिए जाएंगे। जो पैसा मांगेगा उसके, जो रिश्वत मांगेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाथ तोड़ने का मतलब क्रिमिनल नहीं है हम। अलीगढ़ से कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट।